Hello everyone, on the popular demand of West Bengal people, first time into my life, I am going to conduct 4 days training program on Numerology Professional Success Program, जहां मैं बात करूंगा क्या है Numerology, कैसे ये आपकी life को impact करती है, क्या होते हैं driver number, conductor number, क्या होते हैं name के spelling, कैसे हम अपनी life को transform कर सकते हैं with the help of Numerology Science. And in particularly, my dear friends, the fourth day of this program is going to be the special attraction, जहां मैं आपको सिखाऊंगा एक marketing plan कि कैसे आप अपने आप को professional numerologist establish कर सकते हैं, how you can become the money magnet and how you can rewire your brain. कहां होने वाला है? होटल वेस्टिन न्यू टाउन कोलकाता में. डेट्स होंगी 25, 26, 27, 28 अप्रैल 2024. So please do not miss this golden opportunity and join me live into Numerology Professional Success Program in Kolkata. आओ सीखे अंकों की भाषा, इसमें है जीवन की आशा. अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो. बोलते हैं बोलते हैं. आज मैं आपके साथ फिर जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं. पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बात करी थी कि कैसे आप अपने बर्थ चार्ट से अपना मनी और करियर सेक्टर देख सकते हैं. आज मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने बर्थ चार्ट से अपना हेल्थ सेक्टर डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर स्ट्रांग है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो कहीं वीक हुआ तो चिंता मत कीजिए. मैं हमेशा की तरह कहता हूं, मैं हूं ना. तो कैसे उसको इंप्रूव करना है अगर आपका हेल्थ सेक्टर वीक है, तो ये भी लर्निंग आज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं. लेकिन ऐसे नहीं शेयर करूंगा यार. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोज को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा. और ये गलती दोबारा से मत कीजिएगा, इस वीडियो को जरा सा भी बीच में से स्किप करेंगे तो बहुत बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं. तो मेरे वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा. तो चलिए बात करते हैं आज हेल्थ सेक्टर की. मल्टी डायमेंशनल है ये, बहुत ही कहानी में ट्विस्ट, बहुत ही टर्न्स हैं. तो धीरे धीरे देखिएगा, जरा सा भी वीडियो स्किप किया तो बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, आप अपने बर्थ चार्ट को खोल लीजिए. वो आपको मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आपने अपना बर्थ चार्ट बनाना है. पिछले 2-3 वीडियो पीछे जाइएगा तो वो वीडियो आपको नजर आएगा कि कैसे आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे. अब आप अपना बर्थ चार्ट जो अपने सामने रखिए, देखिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर कहीं मल्टीपल 7 तो नहीं आ रहे, 7 का अंक बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा, विशेष करके अगर वो 2 से ज्यादा बार हो जाता है. यानी कि आपके बर्थ चार्ट में अगर 7 का अंक 2 बार या 3 बार और या कहीं 4 बार आ जाता है, तो मैं आपको पक्के से कह सकता हूं दोस्त, आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसको ग्रहण लग गया है, एक्लिप्स्ड हो गया है. लगे हाथ ये भी बता दूं कि 7 नंबर किसका होता है, केतु का नंबर होता है, केतु प्लेनेट का नंबर होता है. अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 2 से ज्यादा बार आ जाए या 1 से ज्यादा बार आ जाए और विशेष करके 2 बार 3 बार 4 बार आ जाए, तो आप आए दिन हॉस्पिटल, डॉक्टर, केमिस्ट और चेकअप, बस इसके इर्द गिर्द घूमने की तैयारी आप रखते ही होंगे. लेकिन अभी कहानी में ट्विस्ट है. अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ ड्राइवर कनेक्टर के कॉम्बिनेशन देखिए. पहला 1-8 का कॉम्बिनेशन, ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, दूसरा ड्राइवर 8 कनेक्टर 1, तीसरा ड्राइवर 2 कनेक्टर 8, चौथा ड्राइवर 8 कनेक्टर 2, अगला ड्राइवर 3 कनेक्टर 6, ड्राइवर 6 कनेक्टर 3, ड्राइवर 4 कनेक्टर 9, ड्राइवर 9 कनेक्टर 4, ड्राइवर 7 कनेक्टर 7, ड्राइवर 9 और कनेक्टर 9. ये एक लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है. देखिए कहीं आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका जो ड्राइवर कनेक्टर है वो इस लिस्ट में तो नहीं आ गया. अगर आपका ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन इस लिस्ट में आ गया है तो भी संभावना बड़ी प्रबल है कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो थोड़ा सा एक्लिप्स हो गया है,
ग्रहण लग गया है और उसके अंदर चोट लग गई है। एक और डायमेंशन देखिए, अगर कहीं एक तरफ आपके बर्थ चार्ट में मल्टीपल सेवन हो और दूसरी तरफ आपका ड्राइवर कनेक्टर जो है वो ये जो मैंने आपको लिस्ट बताई है इसमें से आ गया, अब तो दोस्त मैं पक्के से आपको लिख के दे सकता हूं कि ड्राइवर कनेक्टर का कॉम्बिनेशन आपका वो इस लिस्ट के अंदर है जो मैंने आपको बताई है, और उधर से आपका मल्टीपल सेवन जो है वो आपके बर्थ चार्ट में आया है। फिर आए दिन डॉक्टर, हॉस्पिटल, केमिस्ट, सर्जरी, मेडिकल टेस्ट, बस इसी के इर्द गिर्द आप घूम रहे होंगे। या आपको मैं पक्के से कह सकता हूं, जातन लागे सो तन जाने। अब जिनके ये कॉम्बिनेशन आ गए होंगे ना, उनको समझ आ गई होगी कि उनका हेल्थ सेक्टर इतना वीक क्यों चल रहा है। तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। अब मैंने दर्द दिया तो मैं ही दवा भी दूंगा आपको। अगर कहीं आपका हेल्थ सेक्टर थोड़ा वीक हो गया है, इस तरह से आपने डिटेक्ट कर लिया है, उसको इंप्रूव कैसे करना है, दो उपाय बताता हूं। डू इट, यू विल फील द डिफरेंस इन टू योर लाइफ, जस्ट डू इट। पहला, गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, उच्चारण कीजिए, चैंटिंग कीजिए उसकी। इस मंत्र का आप जितना हो सके दिन में उतनी बार इसका उच्चारण करें, जाप करें और चैंट करें। अब आपके मन में ये सवाल अभी से पैदा आ गया होगा कि कितनी बार करना है। समाधि वही अच्छी होती है जो सहजता से आ जाए, ऐसा मैं जिंदगी के अंदर मानता भी हूं और जानता भी हूं। यानी कि कोई बंदिश नहीं आपके साथ कि आप दिन में 100 बार करना है, 50 बार करना है या 500 बार करना है, कोई बंदिश नहीं है। जब आपका मन करे, जब आपके पास सुविधा हो, और जितनी आपके पास सुविधा हो, 10 बार कर ले, 20 बार कर ले, 50 बार कर ले, 100 बार कर ले, जितना आप इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा दिन में उच्चारण करेंगे, आप देखेंगे धीरे 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 आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो इंप्रूव होना शुरू हो गया है। एक और उपाय बताता हूं। दूसरा, जब आप गायत्री मंत्र का एक तरफ आप उच्चारण कर रहे होंगे, जाप कर रहे होंगे, चैंट कर रहे होंगे, इसके साथ साथ गायत्री यंत्र आता है, गायत्री यंत्र को आप अपने गले में धारण कर लीजिए। आप हमारी अगर वेबसाइट पर जाएंगे arvindsood.com के ऊपर, तो वहां पर आपको यह गायत्री यंत्र देखने को मिल जाएगा। अब गायत्री मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर आप गायत्री यंत्र धारण कर लेते हैं दोस्त, तो कम टू मी आफ्टर 6 मंथ और अ ईयर, यू विल टेल मी कि सर मेरी जो डिपेंडेंस है डॉक्टर्स के ऊपर, केमिस्ट के ऊपर, ये बहुत ही कम हो गई। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, रिवर्स लग जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट आपकी हेल्थ अपने आप में इंप्रूव करेगी। योर बॉडी विल कम इन टू द शेप, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी जो है उसमें कंफर्ट आना शुरू हो गया है, और आपकी जो डिपेंडेंस है वो डॉक्टर और केमिस्ट के ऊपर ये कम हो गई है। इसमें 3 चीजें आप अचीव करेंगे। पहला, आपकी बॉडी को कंफर्ट आएगा, आपकी जो डिपेंडेंस थी भाग दौड़ की डॉक्टर केमिस्ट के ऊपर वो कम होगी, और तीसरा खर्चा भी कम होगा आपका। तो डू दिस 2 रेमेडीज एंड मेक एंड क्रिएट अ डिफरेंस इन टू योर हेल्थ सेक्टर माय डियर फ्रेंड्स। देखो उनको छोटे लगे, घाव करें गंभीर, बहुत सिंपल सिंपल और छोटे छोटे मैंने आपको रेमेडीज बनाई जिसके ऊपर आपके पैसे भी नहीं खर्च हो रहे लंबे चौड़े और समय भी नहीं खर्च हो रहा। कुछ लोगों को लगता है यार बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, ना पैसे खर्च हो रहे ना समय खर्च हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। You are mistaken, my dear friends. Do these 2 simple remedies and make and create a difference into your health sector. That's all for today. अगले वीडियो में आपके साथ मैं जानते क्या टॉपिक लेके आने वाला हूं, आपका रिलेशनशिप सेक्टर। Yes. क्या आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर है उसको हम कैसे डिटेक्ट कर लेंगे आपके बर्थ चार्ट से, अगर वो वीक हुआ तो कैसे उसको इंप्रूव करेंगे, ये अगले वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं। So thank you very much for listening me too patiently and being with me for such an, a long time. God bless you all. Do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size.